सही बात है ना यार, हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना यार, बड़ा कमाल का होता है। तो ये कहानी है इस लॉकडाउन में बीते हुए मेरे कल की। तो मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान हुआ करता था, एक उलझा हुआ इंसान था। पता नहीं इस लॉकडाउन को लेकर एक अजीब सी बेचैनी हुआ करती थी दिल में, और इस लॉकडाउन में मेरे सामने कई चीज़ें आई, लाइक आई वाज होपलेस एंड आउट ऑफ कंटेंट, और थोड़ा मेंटल इश्यूज और रिलेशन को लेकर बहुत ही परेशान था। एक बार तो ऐसा लगा कि यार सब खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है जीने को। एक अजीब सा डर था और यही सोचता कि यार शायद मैं हार गया हूँ कहीं ना कहीं। और जब भी मैं मिरर में देखता था या कैमरे के सामने फेस करता था, तो मतलब चेहरे पे एक स्माइल होती थी और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती थी। यानी मैं खुद की स्माइल को देखकर, यानी रॉक्स अजहर को देखकर मैं खुद बहुत खुश होता था, वहाँ से मोटिवेशन मुझे बहुत मिलती थी। लेकिन किसको पता था कि यार मैं अंदर कितना पेन लेकर बैठा हूँ। और मैं खुद से यही कहता था, अजहर जब तक लाइफ में पेन ना हो ना, तो जीने का मजा ही नहीं। जो इच्छाओं को मारता है वो जीते जी खुद मरता है। ये जो वक्त है ना यार, सबकी लेते हैं, वक्त वक्त पर, सही वक्त पर सबकी लेते हैं। प्लीज कीप स्माइलिंग। आज मुझे इतना वक्त लग गया समझने में कि हम किसी और से तभी प्यार कर सकते जब हम खुद अपने आप से प्यार करना छोड़ दें। और इस लॉकडाउन के पीरियड में आई फाउंड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, यू नो आई फाउंड बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। जानीज में ऊंचा उड़ने के लिए बनाऊँ, अभी तो मैंने शुरुआत की है। बस मुझे इस बात का मालूम चल गया था कि यार अब ना उड़ने में मज़ा बहुत आएगा। वो कहते हैं ना कि यार जो लाइफ में हारता है वही तो जीने का मतलब जानता है। मुझे ना यार उड़ना है बस, मेरा दिल बेताब उस दिन को देखने के लिए। होता है ना कि यार दिल में अगर बेताबी ना हो तो जीने का मजा नहीं है। वैसे भी वो फरहान भाई कहते हैं ना कि यार दिलों में बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। यार मुझे ना बाहर निकलना था, इस घर में रहके थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, मन अजीब सा होने लगा था। मैं मिस कर रहा था वो वाइब्स, वो फ्रीडम जिस लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यार बड़े लोग की बात नहीं, थोड़ा ना थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था एंड कुछ ये चीजें हुई थी वो आपको पता पड़ेगी। ये अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, आप अभी व्लॉग में हो, और थोड़ा क्या लो फील कर रहा था यार। मतलब जो फ्रीडम थी, अपन घूमते थे बाहर घूमना, क्योंकि लॉकडाउन में आदमी क्या थोड़ा हो जाता ना डिप्रेशन में, एंजाइटी सी फील हो रही थी। हाँ नहीं, हाँ तो अब अच्छा अनलॉक पॉइंट बनना है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना अपन साथ में अपन रीयूनियन करते हैं और साथ में कहीं घूमते हैं, एंजॉय करते हैं साथ में। हाँ तो फिर कल आता हूँ मैं आपके पास, ठीक है ना? फिर कल कल मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। Game on, baby!
जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अगर तुम लाइफ में कभी डिप्रेस फील करो, दोस्त को साथ लो, टेंशन घर पे छोड़ो और निकल लो किसी अनप्लान ट्रिप पर। तो ये थी मेरी लॉकडाउन वाली कहानी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल, बाय बाय।